हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं देहरादून के लिए। बस अब सामान वामान रख रहे हैं गाड़ी में। कल दिल्ली में इतनी अच्छी धूप खिली थी ना एकदम, लेकिन अब देखो दिवाली के नेक्स्ट डे इतना पॉल्यूशन हो गया है। तो अभी हम आए हैं सुखदेव ढाबा, ये देहरादून जाते समय पड़ा है रास्ते में, तो चलो चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आराम से। जीशु क्या खाएगा? क्या खाए? यहाँ बर्गर पिज्जा थोड़ी मिलेगा। हाँ बेटा आओ। आपको लग रहा होगा मैं सो रहा था, मैं सो नहीं रहा था। तो क्या कर रहा था? बात सुन रहा था पूरी। हाँ हाँ सो रहा था। उसमें चोटी वाले की बात कर रहे, डोमिनोस आया था बीच में। अच्छा एक्टिंग कर रहे थे। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ पराठे हैं। और कभी सुबह क्या खाना था? दाल तड़का और नान। हाँ तो वो है नहीं, तो फिर अब कहीं और देखो। रिशु अब गया है चोटी वाले के पास क्योंकि इसको वहाँ पराठा ही मिल रहा था वाले रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे देख अभी तो चिप्स लेने चला गया है शायद। पराठा साउथ इंडियन में क्या डोसा सुबह सुबह नहीं, पराठा ही ले लेते हैं ना, पराठा और चाय ठीक है। आप क्या ले लोगे? मक्खन का नहीं, प्लेन पराठा। प्लेन पराठा उसमें मक्खन नहीं लगाते ना, पापा जी भी वैसा ही खाते हैं। खा आलू प्याज पनीर। कनिष्क को खाना है दाल चावल सुबह सुबह है। कनिष्क नहीं मिल रहा तेरा दाल चावल? हाँ। और ऋष्विक आपको मिल गया आपका फेवरेट कुछ? सैंडविच। क्या मिला? सैंडविच। सैंडविच और मैं तो खाऊंगी पराठा दही के साथ या बटर के साथ? नहीं चाय के साथ, चाय के साथ सही है ना, दही के साथ चाय नहीं हो जाएगी ना। ऋष्विक चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं ठीक है। ये पढ़ के बताओ पूरा क्या क्या लिखा है। वाटर शिकंजी, पनीर पकौड़ा, आलू पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, मूंग दाल पकौड़ा, दाल पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, ब्रेड पनीर पकौड़ा, और कॉफी और मिल्क, छोले भटूरे, छोले भटूरे, पाव भाजी। और ऋषि अपना डिंपल दिखाओ, डिंपल स्माइल करो। ए ऐसे नहीं, क्या हो गया, क्या निकाल रहे हो? सब्जियाँ। सब्जियाँ तो सब्जियाँ तो खानी चाहिए ना। ऋषु रो क्यों रहे हो? बहुत टेस्टी है धनी का चीज, आप पी रहे हो? और अब मैं सोचू कि अब मैं ड्राइव करती हूँ, बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं मुझे गाड़ी। वो नहीं हुआ तो क्या, वो कहाँ ले जा रहा? उस साइड ले जाऊंगी ना। इसे रख लो। क्यों? हाँ अच्छा वहाँ वो ज्यादा तेज वाले लोग चलेंगे। ठीक है ये बीच वाली लेन में रख लेती हूँ ना। हाँ बीच वाली, हाँ उधर ज्यादा स्पीड वाले, और मैं तो खैर धीरे धीरे चला रही हूँ। ये तो पूरा भी कितना लंबा होगा, कितने किलोमीटर तक होगा ये वाला हाईवे? पता नहीं, फ्लाईओवर ये वाला होगा 10-15 किलोमीटर तो। अच्छा सुनो, जैसे मैं ना लाइसेंस नहीं लाई हूँ, लेकिन शायद ना अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो जेल में बंद। भूल गई मैं तो, मतलब मुझे थाली ना गाड़ी आप दोगे चलाने। ठीक है तो आप उसमें डाला तो करो, अपने मोबाइल में डाल रखा है। अब देहरादून रह गया सिर्फ 21 किलोमीटर और हम लोग पहुंचने वाले हैं 2 बजे, नहीं कितना 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं और अभी मैं ऊपर छत में आई हूँ और ये है पूजा मेरी सिस्टर इन लॉ।
हेलो। और इसका भी यूट्यूब चैनल है किस नाम से, पूजा त्रिपाठी, पूजा त्रिपाठी। और इसकी जो आवाज है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये इसका मतलब वो है हारमोनियम, तबला, माइक, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। और अभी सुनाऊंगी थोड़ी देर में आपको, थोड़ी देर में हम लोग गाना गाए, ये गाना गाएगी मतलब। अभी हम लोग हैं यहाँ पे छत पे, और ये इनका छत, इनकी छत है, और ऊपर यहाँ पे रूम्स भी बना रखे हैं। और यहाँ से ना मसूरी भी दिखता है इनके घर से, तो चलो देखते हैं मसूरी। यार ये सही है, घूम घूम के उतरने में थोड़ा सा डर लगता होगा ना। अच्छा वो सामने मसूरी के पहाड़ दिख रहे हैं ना, बहुत सुंदर। अच्छा इधर से है ना, हाँ इस रूट पे यहाँ से है मसूरी का, बाकी यहाँ से शायद घूम के उधर को होगा। ये पीछे है पहाड़ मसूरी के, और उनको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये अभी सनसेट हो रहा है, और ये है सामने मसूरी के पहाड़, जो कि चाचा जी के यहाँ से मतलब छत से भी दिखते हैं। तो बहुत सुंदर है, मतलब मुझे तो देहरादून सही में बहुत अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में कभी हम लोग देखेंगे। ये ना करने नहीं दे रहा है हमें, तो अगर आपको सॉन्ग सुनने हैं पूजा के तो इसके चैनल पे आप जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तो उसमें आपको सारे भजन सॉन्ग सब मिलेंगे। पूजा त्रिपाठी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आप उसमें आप ये गाने सुन सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अभी रात में सब लोग जा रहे हैं मोमोज खाने, रात को 8 बजे। कितनी दूर है, पास में ही है ना, जो इधर को जाना इधर को जाना। चलो फिर चलते हैं।
अभी हम लोग मोमोज खाने जा रहे हैं। पहले हम लोग पैदल आ रहे थे लेकिन मोमोज जो अच्छे बनाता है वो थोड़ा दूर है, तो हम सब गाड़ी में बैठे और ये सब कर रहे हैं मस्ती। ये अब मोमोज खा के आते हैं। अभी गाड़ी में थोड़ा सा लाइट कम है। मेरा हाँ, अब देखते हैं कैसे मोमोज है उसके। इतनी दूर आके अच्छे मिलते नहीं मिलते। क्या हंसी क्यों आ रही है? मोमोज तो सारे खत्म हो गए। ठीक है, क्या सूप भी देते हैं भैया ना मोमोज के साथ? चलो है पूजा, क्या मोमोज खत्म हो गए क्या सूप है? अरे हम लोगों को थोड़ा सा ना लेट हो गई मोमोज खाने के लिए। मोमोज तो खत्म हो गए तो अब सूप पी लेते हैं, यहाँ का सूप टेस्ट करते हैं। हाँ मोमोज के साथ पी आता है सूप। इतना छोटा सा ग्लास है ये, तो कनीष आप सूप के बारे में क्या कहोगे, कैसा है सूप? है स्मेल तो सही है, ठीक आ गई स्मेल। है क्या आ गई? अरे तो बोली हुआ सही से। नैतिक से पूछिए, नैतिक तुम्हें कैसा लगा सूप है बताओ बताओ। आपको कैसा लगा? ठीक है पूजा तो पीती रहती है यहाँ का सूप। आप बताइए, ऋष्विक ने तो पिया ही नहीं है। इसमें पी को देख, ये रेड रेड टोमेटो सूप इतने छोटे से ग्लास पे। नैतिक ले ले। ये कबाब है, कबाब किस चीज का बना होता है? दाल का? मिक्स वेज। अच्छा मिक्स वेज है। अच्छा अच्छा चलो टेस्ट करके देखते हैं। दादो मिलो, तू नहीं खा रहा क्यों? टमाटर सूप है, अच्छा है। अच्छा यहाँ पे ना सब खत्म हो गया, सब बस एक प्लेट स्प्रिंग रोल मिले और सूप मिला था हमें और कबाब बस। बहुत फाइनली मोमोज मिले बट एक प्लेट मिले और बच्चे सारे झपट गए। और मेरे लिए छोड़ देना, कैसा टेस्ट कैसा पूजा? ठीक है चलो अब खाते हैं इसको। ऋषु अब फिर तुम्हारी यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई, इन दोनों की बस लड़ाई रहती है। कहाँ जा रहे हो? ओ पुत्तू आ जा, वो लाइट जली हुई है। चलो बाद में बंद। इधर ऋषु पकड़ने वाला भी आता है। ऋषु इधर आ जा, ऋषु के नाम पर मैं बताता हूँ उसके साथ। जल्दी इधर आओ ऋष्विक, गुस्सा हो जाता है। ऋषु का किडनैपर एक सेकंड में फिनिश हो गए। सबने फटाफट उठा लिए, चलो हमने और मंगवा लिए हैं अभी थोड़े। ऋषु आपको तो एक मोमबत्ती देंगे, देंगे आपको ये। और रुक जा तुम, रुक जा, इनकी लड़ाई हो गई। रुको, बहुत टेस्टी मोमोज है सीरियसली, इसके अंदर का स्टफ ना बहुत अच्छा है। तो गाइस एक प्लेट में 8 मोमोज सब लोगों के साथ, सबको एक एक मिलेगा। अब ये बोतल घूमेगी जिसके ऊपर वो आई उसको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ क्योंकि 4 प्लेटें ये लोग खा चुके हैं और एक प्लेट और मंगाई है और एक एक रेडी। हेलो नैतिक को दो, नहीं 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 एक ही बार होगा, नैतिक को दो मिलेंगे, सबको एक एक मिलेगा क्योंकि भैया के मोमोज हम लोगों ने बहुत सारे खा लिए हैं। बस एक पांचवी प्लेट मंगाई है। अच्छा नहीं नहीं नैतिक को मिलेगा, नैतिक जीता है, नैतिक को मिलेगा। कानू अब फोड़ने जा रहा है पटाखे, स्काई शॉट। हनु भी फोड़ेगा। हनु फोड़ोगे? यहाँ देखो फोड़ोगे पटाखे, पटाखे फोड़ोगे? हाँ क्या ये रहने दे रहने दे भैया, ये स्काई शॉट। हाँ स्मेल बहुत गंदी आ रही है यार, ऊपर जाएगा ना ऊपर। देखो कैसे गोल गोल धुआं बन गया, देखो है ना ऊपर गोल गोल। यहाँ देखिए दिल्ली वाले आ रहे हैं।
पॉल्यूशन फैलाने। हाँ देहरादून में वही तो इतने अच्छे धूप खिली थी दिन में। आप क्या फोड़ रहे हो? हाथ में नहीं बेटा, उल्टी उल्टी घुमा रहा हूँ कानू। क्या हुआ हनु, आप खिला क्यों नहीं रहे हो भैया को? अब वो फिर खराब कर देगा आपका, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बेटा? तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि कल सुबह हमने जल्दी उठ के जाना है हरिद्वार। तो अब आज पूरा दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की है, बहुत थक चुके हैं तो, और मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो चलो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।